Hello everyone, this is Meenakshi and today in this video we start exercise 3.6 question number 1 का fourth part. Okay? चलिए पहले हम देख लेते हैं question क्या है. Question हमारा ये है कि आपको ये pair of equation दिया हुआ है, आपको इन pair of equation को linear equation की form में reduce करना है. अब यहाँ पर ये linear equation नहीं है क्योंकि आपको पता है कि linear equation की general form ये होती है ax plus by plus c is equal to 0. यहाँ पर ये जो x और y जो वेरिएबल हैं ये इसके मल्टीप्लाई में होना चाहिए बट यहाँ पर ये इसके डिवीजन में है. ओके, तो हम इसको पहले इसके मल्टीप्लाई में करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हम देखो इस इक्वेशन को हम क्या से लिख सकते हैं. वी कैन राइट दिस 5 × 1 / x − 1 प्लस 1 × 1 / y − 2. ओके, वी कैन राइट दिस 1 × 1 / y − 2 इज इक्वल टू 2. ये हम इसको लिख सकते हैं. लाइक दैट वी कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन 6 × 1 / x − 1 − 3 × 1 / y − 2. स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना ये y माइनस टू है. ओके, पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे ये x माइनस वन होता तो ये भी y माइनस वन ही होता था, लेकिन यहाँ पर ये y माइनस टू है. ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था लेट किया था तो यहाँ पर हम लेट करना पड़ेगा. लेट 1 / x − 1 इज इक्वल टू यू एंड 1 / y − 2 इज इक्वल टू वी. नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज वी गेट, या आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज वी गेट. अब देखो 1 / x − v के प्लेस पे हमें पुट करना है यू, तो यहां पे पुट कर लो 5, क्या हो जाएगा यू प्लस 1 / y − 2 के प्लेस पे पुट करना है वी. ओके, 1 / y − 2 के प्लेस पे v करना है तो यहाँ पे हो जाएगा v, 1v या v लिख लो, v इज इक्वल टू 2. ओके, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है. देखो हो गई ये वाली फॉर्म ax plus by. ओके, ये a हो गया, ये यहाँ पे x हो गया, मतलब x मतलब कोई भी वेरिएबल, तो यहाँ पे u वेरिएबल हो गया, फिर यहाँ पे ये 1 हो गया इसका कोफिशियंट, यहाँ पे v वेरिएबल हो गया और ये इज इक्वल टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म हो गई. तो ये अब आपकी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आ गई. और ऐसे ही हमको इसको सेकेंड वाली इक्वेशन को भी बनाना है. कैसे करेंगे हम इस यहाँ पे फिर दोबारा से इसके प्लेस पे आपको u, तो 6u − 3v इज इक्वल टू 1. ये आपके यहाँ पे बन जाती है इक्वेशन नंबर 2. अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को आप सभी से मल्टीप्लाई कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लो. ठीक है, नहीं तो फिर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15u + 3v इज इक्वल टू 3 × 2 = 6. ये आपकी इक्वेशन नंबर, यहां पे इसको आप 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो 1 भी कर सकते हो. ये हो गया आपका. अब ये सेकेंड इक्वेशन थी 6u − 3v इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, एड करना है. ओके, तो यहां पे लिख लो एडिंग 3 and 2. एड करो आप, एड करने पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये कैंसिल हो जाएंगे, एड करना पड़ेगा. ठीक है, अब यहां पे 15 और 6 कितना होता है, 6 और 5 = 21. 21u इज इक्वल टू आपका हो गया यहां पे 7 एंड u इज इक्वल टू 7 / 21. 7 × 7 = 7, 7 × 3 = 21. तो 1/3, तो u की वैल्यू आपकी यहां पे आ जाती है 1/3. और अब आप यहां से निकालोगे v की वैल्यू. ओके, तो यहां पर आप लिखो पुटिंग u इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 2 और 1. ओके, एज यू विश, तो हम रख लेते हैं 2 में, इन इक्वेशन 2 रखते हैं. चलिए 6 u के प्लेस पे क्या रखना है, 1/3, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे u के प्लेस पे 1/3 −3v इज इक्वल टू 1. 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 2 हो गया, 2 − 3v इज इक्वल टू 1. ओके, 2 − 3v इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे −3v इज इक्वल टू 1 − 2 और −3v इज इक्वल टू −1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 1 इज इक्वल टू आपका आगे 1/3. तो ये आ गई आपकी u भी 1/3 एंड v की वैल्यू भी 1/3. अब आपको ये पता है, देखो यहां पर जो हमने लेट किया था कि
क्या लेट किया था, वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू यू, तो यहां पर आप यू के प्लेस पे वन अपॉन थ्री रख लो, फिर यहां पे जो वी की वैल्यू आई वन अपॉन थ्री वो रख लो, तो यहां से आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी और यहां से आपकी वाई की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए हम पुट करते हैं यहां पर, अब नाउ फ्रॉम वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू यू, ओके वी गेट, क्या गेट करते हैं हम, वी गेट वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू यू के प्लेस पे आपने पुट करना है वन बाय थ्री, ओके बस यहां पे वन बाय थ्री पुट वो कर लो, पुट कर लो तो यहां पे ये हो जाएगा और इसी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये एक्स माइनस वन हो जाएगा और ये थ्री वन जा थ्री और एक्स इज इक्वल टू थ्री और ये वन इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू फोर, तो ये आपके यहां पे आ गई एक्स की वैल्यू। और ऐसे ही आपको यहां से वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसमें भी हम ये करेंगे कि एज वी नो दैट वन अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वल टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू वी, ओके सो नाउ वी गेट वन अपॉन वाई माइनस टू, तो वाई माइनस टू इजक्वल टू वी के प्लेस पे आपको दोबारा से वन अपॉन थ्री ही पुट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वाई माइनस टू इजक्वल टू थ्री और वाई इजक्वल टू थ्री प्लस टू, तो वाई इजिकल टू आपका आ गया फाइव, तो यहां पे आपके आ गई दोनों वैल्यू, ओके एक्स इजकल टू फोर एंड वाई इजकल टू फाइव। अब आपको फाइनल आंसर लिखना है तो फाइनल आंसर लिख दो, हेंस दीज या दिस पेयर ऑफ इक्वेशन ये लिख लो, या दीज इक्वेशंस हैज वन सॉल्यूशन, ओके इट मींस एक्स इजकल टू फोर एंड वाई इजकल टू फाइव, ये आप यहाँ पे फाइनल आंसर भी लिख सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।